इस महीने 27 को पूरे इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन करने वाले हैं। भारत सरकार निर्णय लिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइस लिया है, एमई के साथ एडवाइस लिया है, होम मिनिस्ट्री के साथ बातचीत किया है, हमारा टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करने के बाद भारत सरकार 27th ऑफ दिस मंथ पूरा जो जितने भी फ्लाइट्स है ओपन करने वाले हैं। उसके साथ साथ आप सब लोगों को मालूम है जो हम पूरे 5 लाख लोग जो करोने के बाद लोग आएंगे भारत को फॉरेन टूरिस्ट, उसके लिए फ्री वीज़ा देने वाले हैं और ई वीज़ा का व्यवस्था लगभग 169 कंट्रीज़ को ई वीज़ा है। कोई भी एम्बेसी को जाने का जरूरत नहीं है, घर में बैठ के एप्लीकेशन लगा सकते हैं, इंडिया का वीज़ा देने वाले हैं। उसके साथ साथ जो भी भारत आते हैं उनके लिए अलग अलग प्राविधान करें, एयरपोर्ट में उनको ठीक तरीके से स्वागत करें, उनको ठीक तरीके से अलग अलग टूरिज्म डेस्टिनेशन पे टूरिज्म पुलिस स्टेशन ओपन करें, उनको एक विश्वास देना चाहते हैं, भारत गौरव बढ़ाना चाहते हैं। भारत का जितने भी एम्बेसीज है, सुम्बी एम्बेसीज में हमारा टूरिज्म का ऑफिसर्स लगाने वाला है। अभी तक जो 20 टॉप FTA फॉरेन टूरिस्ट अरावल्स होते हैं उसमें 20 कंट्रीज में अभी तक ऑफिसर्स लगा चुके हैं हम टूरिज्म के तरफ से। आने वाले दिन में जैसा जैसा FTA बढ़ेगा सभी देशों में हम एम्बेसीज लगाने वाले हैं, एम्बेसीज में टूरिज्म ऑफिसर्स लगाएंगे, वो लोग उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत में आए, जो इवेंट्स होते हैं डेस्टिनेशन का फंक्शंस होते हैं भारत में आने के लिए हमारा एम्बेसीज आने वाले दिन में काम करेंगे।